सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। देखो हमारे पास थ्योरम 6.4 है ना, देखो पढ़ो। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, यानी कि जो हमारा ट्रांसवर्सल है क्या है, वो पीएस इंटरसेक्ट कर रहा है टू पैरेलल लाइन को, ठीक है। देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, क्या है, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल ये है ना, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, यानी कि ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, जो ट्रांसवर्सल का सेम साइड का जो पेयर होगा इंटीरियर एंगल का, इज ए सप्लीमेंट्री। तो व्हाट इज सप्लीमेंट्री, द सम ऑफ टू एंगल, ऐसे बोलो द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री इज सप्लीमेंट्री। यानी कि हम लोग को प्रूफ क्या करना, एंगल ए क्यू आर प्लस एंगल सी आर क्यू इज 180 डिग्री, क्योंकि ट्रांसवर्सल का सेम साइड होना चाहिए, है ना, ईच पेयर ऑफ ट्रांसवर्सल का, यानी कि ये प्लस ये को 180 दिख रहा है सप्लीमेंट्री, या फिर ये प्लस ये, मतलब हम लोग को एक ही दिखाना है, ठीक है, दो नहीं। तो हम लोग जब थ्योरम प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो लिखा हुआ था गिवेन है वो लिखा हुआ था, मतलब जो रहता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो क्या लिखा हुआ, ए बी पैरेलल, सी डी पैरेलल है, ठीक है, एंड पी एस ट्रांसवर्सल है ना इंटरसेक्ट एट क्यू एंड आर, यानी कि पॉइंट क्यू एंड आर में इंटरसेक्ट कर रहा, ये लिख दिया। देखो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, एंगल ए क्यू आर प्लस एंगल सी आर क्यू, दिस एंगल एंड दिस एंगल, तो सी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, वी हैव टू शो दैट, ये हमें दिखाना है, ठीक है। तो देखो प्रूफ में आते क्या करना है हम लोग को, ठीक है, देखो एंगल ए क्यू आर एंगल सी आर एस, ये वाला एंगल, ये एंगल का बात हो रहा है और ये एंगल का बात हो रहा है, वो क्या होगा, क्रोस्पॉन्डिंग एंगल ना। तो फिर एंगल ए क्यू आर इक्वल टू एंगल सी आर एस, ठीक है, कहाँ से आया, क्रोस्पॉन्डिंग एंगल से। हम लोग को सप्लीमेंट्री दिखाना है, यानी कि वन एंगल, मतलब दोनों का सम 180 दिखाना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसके बाद, थोड़ा अच्छा से ऑब्जर्व करो हम लोग को करना क्या है, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे हम लोग, ये एंगल दिख रहा है ना, और ये एंगल, ये स्ट्रेट लाइन पी एस में लेते हैं, तो सी आर एस प्लस सी आर क्यू 180 हो जाएगा, कहाँ से होगा, लीनियर पेयर से। तो एंगल सी आर क्यू प्लस एंगल सी आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, कोई डाउट नहीं ना, ये प्लस ये को ऐड किया, ये स्ट्रेट लाइन पी एस में, तो ये हो गया हमारा लीनियर पेयर, जो हुआ वो लिख दे रहे हैं, लिख दो। अच्छा यहाँ देखो ए क्यू आर इक्वल टू सी आर एस है, क्या है, तो हम लोग सी आर एस के प्लेस में ए क्यू आर लिख सकते हैं, वी कैन राइट, सो सी आर क्यू प्लस ए क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, आ गया ना, ए क्यू आर प्लस सी आर क्यू। चलो एक बार अच्छा से ऐसा ही लिख देते हैं, ए क्यू आर प्लस सी आर क्यू इज इक्वल टू 180। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, सप्लीमेंट्री दिखाना था इंटीरियर एंगल का, क्लियर है। चलो अब इसको नोट कर लो।